हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वेनिला केक की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेम्पटिंग बनती है और एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारी ये केक बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो केक टिन है उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ऑयल को चारों तरफ से। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है या बटर पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद में इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैदा और इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से डस्ट कर लूँगी ताकि जो हमारा टीन है वो बहुत ही अच्छे से ग्रीस हो जाए। और ये देखिए हमारा टीन एकदम परफेक्टली ग्रीस हो चुका है, तो इसको हम एक साइड में रख देंगे। और अब यहाँ पे एक बाउल में मैं ले रही हूँ हाफ कप ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, तो उसका मेज़रमेंट भी सेम हाफ कप ही रहेगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप पाउडर शुगर। नॉर्मल जो घर में हमारी शुगर होती है उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, तो वो ले लेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक छलनी ले रही हूँ और छलनी में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1/8 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से छान लेंगे। और अच्छे से छानने के बाद में अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे और इसमें मैं धीरे धीरे मिल्क ऐड करती जाऊंगी। एक कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए, उस टाइम तक हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/3 कप मिल्क। इसको भी मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े बैचेज में ऐड करती जाऊँगी और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से करने से हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पे पहले मैं डाल रही हूँ पूरा 1/3 कप मिल्क डाल दिया है मैंने, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में भी मैंने और एक बार 1/3 कप मिल्क लिया है पर वो पूरा नहीं लगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए, बहुत ही हार्ड नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल यहाँ पे लगा है 1/3 कप प्लस 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के करीब। तो आपको आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल्क कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। तो इस तरह का कंसिस्टेंसी का बैटर हम रेडी कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं इस केक को मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। और यहाँ पे मैं केक को थोड़ा सा रेड पिंक कलर का बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें रेड कलर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो प्लेन वाइट केक भी बना सकते हैं। और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि 1/3 कप जो मैंने दूसरी बार लिया था उसमें से भी 1 टेबल स्पून मिल्क बच चुका है। और उसके बाद में हम ये देखिए हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और अब यहाँ पर माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए मैं प्रीहीट करने रख दूँगी। और जो टिन हमने ग्रीस किया था शुरू में उसमें हम ये बैटर पूरा डाल देंगे। और देखिए हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं उस तरह की है, और इसी तरह की होनी चाहिए तभी हमारी केक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगी। तो पूरा बैटर मैं इस टिन में शिफ्ट कर दूँगी। और अब हम इसके हल्के हाथों से टैप कर लेंगे ताकि कोई बबल्स है तो निकल जाए। और अभी हम इस टिन को रख देंगे माइक्रोवेव में। तो यहाँ पे मैं ग्रिलिंग रैक पे रख रही हूँ माइक्रोवेव में टिन। और अब हम यहाँ पे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे पहले मैं रखूँगी 25 मिनट, उसके बाद में आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको ज़रूरत है तो 5 मिनट और रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी केक टोटल 30 मिनट्स में कुक हुई थी, पहले मैंने रखा था 25 मिनट और उसके बाद में फिर से मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए और कुक किया था, तो मेरी केक परफेक्टली रेडी हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पे मैं इस पर टूथपिक डाल के भी दिखाती हूँ, एकदम क्लीन निकल रही है हमारी टूथपिक। पर ये केक अभी बहुत ही गर्म है तो इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद में यहाँ पर मैंने केक को एक प्लेट में अनमोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं।
बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी है, और इसको मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। कट करने के बाद में इसका बहुत ही अच्छा सा रेडिश पिंक कलर दिखता है। आप चाहें तो प्लेन वाइट भी बना सकते हैं। और ये देखिए, परफेक्ट जाली के साथ में हमारी ये केक बनती है, और एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और टेक्सचर बिल्कुल बाजार में मिलता है वह उसी तरह का बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी वैनिला केक की रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।